गुड मॉर्निंग एंड जय टू ऑल ऑफ यू दोस्तों फ्रेंड्स माय नेम इज अविनाश अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एवरीडे इकोनॉमिक्स दोस्तों सो फ्रेंड्स थ्रू दिस यूट्यूब चैनल मैं वीडियोस बनाने लग रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपको काम आने चाहिए एज यू कैन सी द टाइटल ओवर हियर दिस इज़ अ मैराथन सेशन अ सीरीज ऑफ मैराथान्स दोस्तों दिस इज लेक्चर नंबर फोर जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आरबीआई ग्रेड बी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामिशन फेज़ वन जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको काम आ सकता है लेक्चर नंबर वन एंड टू के अंदर हमने आर बी डिस्कस करे थे लेक्चर नंबर थ्री के अंदर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस को डिस्कस करना स्टार्ट करा था एंड दैट इज वट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर फोर हम बैंकिंग एंड फाइनेंस को रैप अप कर देंगे फॉर द लास्ट एट मंथ्स अंटिल सितंबर दोस्तों राइट एंड मे का भी जो करंट अफेयर है उसको भी हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे कवर करेंगे जस्ट बिफोर द एग्जाम सो दैट की आपकी पूरी तैयारी रहे एटलीस्ट नाइन मंथ्स का एटलीस्ट नाइन मंथ्स का कंप्लीट कवरेज मैं आपको प्रोवाइड करने लग रहा हूँ दोस्तों राइट सो दिस इज द आइडिया विथ विच वी आर वर्किंग एट फाइव ई एम डेली इन द मॉर्निंग राइट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पेंड जो भी लेक्चर से रिलेटेड पी डी एफ्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं शेयर करता हूँ बेसिकली आई ए प्लस एजुकेटर ऑन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म अगर आप कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं पूरी तैयारी करना चाहते हैं चाहे आर बी आई की हो चाहे नाबार्ड की हो चाहे फिर से बी एग्ज़ामेशन की हो तो आप हमारे बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम डोमेन की जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आपको ऑफर्स चेकआउट करने चाहिए बड़े किफ़ायती ऑफर्स है बड़े अच्छे ऑफर्स है दोस्तों राइट right. और ए टू जेड तैयारी आपकी हो जाएगी फॉर एक्साम्पल पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज स्टैटिक एज 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 वेल वेल करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मैंने कवर कर रखा है आगे भी कवर करूंगा और फॉर द टाइम आप लोगों तो का जनरल अवेयरनेस को भी मैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाने लग रहा हूँ दोस्तों आप इन सारी चीजों का जरूर फायदा उठाइए सो आई कैन सी दैट पांडे जी तृप्ति गुरनीत यूर ऑनलाइन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ओवर हियर राइट गाइस सो जो काम हमने कल स्टार्ट कर दिया था लेट दैट वर्क अहेड दोस्तों

तो कल का पीडीएफ आपको कल इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आज जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो जो भी हमारा स्टेटस रहेगा फाइनल वो वाला पीडीएफ आपको शेयर करवा दिया जाएगा ये मैंने कल लेक्चर के एंड में भी कहा था और अभी भी कहने लग रहा हूँ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है दोस्तों कि पीडीएफ आपके साथ शेयर करना नहीं है या देना नहीं है पीडीएफ या कुछ में अंदर कुछ सीक्रेट है ऐसा कोई भी इंटेंशन यहाँ पर नहीं है आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल दोस्तों सो लेट लेटेस्ट स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट ऑफ यस्टेडे काफी अच्छा डिस्कशन हम कर रहे थे मैंने आप लोगों को काफी सारा होमवर्क दिया था कल अगर आपने नहीं कराया तो जरूर करिएगा दोस्तों राइट एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एग्जाम में हेल्प ही करेगी नुकसान नहीं करेगी कोई भी तरीके से दोस्तों राइट चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट लेट स्टार्ट ओवर हियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा दिया हुआ है दोस्तों रिगार्डिंग फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ करता है दोस्तों ठीक है थ्रू दैट इंडेक्स हमें मालूम पड़ता है कि कितना ज़्यादा डिजिटल मोड्स ऑफ़ ट्रांजेक्शन को यूज़ करा जाने लग रहा है दैट इज़ द आइडिया दैट वी गेट थ्रू डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स अब ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट right? कि सितंबर 2021 के अंदर व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द इंडेक्स इट इज़ 304.06 प्लीज टाइप इट आउट राइट और इसके अंदर कितना इंक्रीज आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर थर्टी राइट यानी कि सितंबर 2020 के कंपैरिजन के अंदर 39.64 परसेंट का इनक्रीज आया है और जो इंडेक्स की रीडिंग है दैट इज ये क्लियरली लग रहा है दोस्तों दैट इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन अडोप्शन एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट दोस्तों राइट सो आरबीआई ने जनवरी ट्वेंटी अंदर जनवरी 2021 के अंदर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करा था वो टाइम पे जब इंट्रोड्यूस करा गया था तो उसका मार्च 2018 को जो है बेस ईयर माना गया था यानी जो भी मार्च 2018 के अंदर जो भी लेवल ऑफ डिजिटल पेमेंट था उसको इक्वल टू हंड्रेड करके हमने स्कोर सेट कर दिया था तो आप समझ सकते हैं इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्च 2018 के मुकाबले सितंबर 2021 के अंदर राइट थ्री टाइम्स और उससे भी ज्यादा जो है डिजिटल पेमेंट्स होने लग रहे हैं बिकॉज इंडेक्स की वैल्यू हंड्रेड से थ्री जा चुकी है दोस्तों यानी कि काफी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स का इंडिया के अंदर राइट right? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च 2018 को जो है हमने जीरो सेट कर दिया था तो यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन आपको भी बड़े इजीली पूछे जा सकते हैं वो ये है कि जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है उसके अंदर उसके अंदर बेस ईयर कौन सा है कौन उसे रिलीज करता है राइट और थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चार पांच मेजर्स के नाम लिखकर बता देगा और आपको पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं जो कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के स्कोर को इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा तो जो भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड मेजर्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये सारे मेजर्स को अगर लिया जाता है ये सारे मेजर्स को अगर लिया जाता है तो डिजिटल पेमेंट्स के इंडेक्स का जो है उसके अंदर हमारे को एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा राइट चलिए मूविंग राइट मैनेजमेंट का नाम चेंज करा गया टू व्हाइट ओक कैपिटल असेट मैनेजमेंट राइट और येस म्यूचुअल फंड जो है उसका भी नाम चेंज हो गया टू वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड दोस्तों राइट जनवरी दो हजार बाईस के अंदर का ये न्यूज है दोस्तों वाइट ओक को लाइसेंस मिला दोन म्यूचुअल फंड राइट सो वाइट ओक कैपिटल ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो राइट तो फाइनेंस के दुनिया के हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं कि हाँ ठीक है येस म्यूचुअल फंड का नाम को चेंज कर दिया गया है दोस्तों राइट मूविंग अहेड कल हमने कम uh, अक्रॉस करा था नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर करेक्ट है दोस्तों राइट कल तो हमने कम अक्रॉस करा था नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुझे याद है मैंने आपको होमवर्क दिया था राइट right? कि इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है ये आपको कमेंट करके बताना है तो अगर आप जानते हैं आप किसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है तो कमेंट करके बता दीजिए गुड मॉर्निंग निलेश गुड मॉर्निंग फिनाकी राइट सो यहां पर ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है राइट right? सो so, इन्होंने जो है न्यू बैंक रोड प्रिंटिंग लाइन्स सेटअप करी है दोस्तों राइट right? यानी कि जो इनका करेंसी नोट प्रेस है नासिक के अंदर और बैंक नोट प्रेस है देवास के अंदर राइट वहां पर इन्होंने एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करी है दोस्तों ठीक है so, सो इंडिया के अंदर चार प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों चार प्रिंटिंग प्रेस है जो बैंक नोट सप्लाई करती है एक है देवास में दूसरी नासिक के अंदर तीसरे मैसूर के अंदर चौथी है सलबून इन वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों ठीक है so, सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो देवास की प्रिंटिंग प्रेस और नासिक की प्रिंटिंग प्रेस है वो आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओन करती है और जो आपकी माइसोर और सालबोनी की प्रेस है वो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ओन करती है दोस्तों राइट तो ये प्रकार से जो है यहाँ पर ओनरशिप बता रखी है कीप दिस बेसिक थिंग इन माइंड अलीशा यू हैव इट न्यू यानी कि अलीशा का आंसर ये है दोस्तों कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड प्रिंपोन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू डेली ऑल राइट अलीशा राइट द सेम आंसर हैज बीन गिवन बाय साई राइट

तो फॉर्मोसा के अंदर जो है यानी कि ताइवान के अंदर जो है बॉन्ड्स को इशू करा गया है राइट right? ये ग्रीन बॉन्ड्स है दोस्तों ठीक है जो भी पैसा रेस करा जाएगा ग्रीन फाइनेंस के तौर पे यूज करा जाएगा दोस्तों ठीक है फर्स्ट हुज ग्रीन बॉन्ड्स वर ड्यूअली लिस्टेड सॉरी ये ग्रीन बॉन्ड्स नहीं है राइट right? ये फॉर्मोसा बॉन्ड्स है बट अदर यहां पर इंफॉर्मेशन क्या बता रखी है कि एस बी आई द फर्स्ट इशुअर ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स जो कि ड्यूअली लिस्टेड थे एक स्टॉक एक्सचेंज पे था राइट right? एंड दूसरा जो है हमारा शायद आई एन एक्स गिफ्ट आई एफ एस सी के अंदर हुआ रहेगा वो टाइम पे बट अगेन दिस इज नॉट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ व्हाट इज द रेलेवेंट इनफॉर्मेशन राइट नाउ इज दिस वन ओवर हियर राइट कि किसने जो है थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर के फॉर्मूस ऑफ बॉन्ड्स इशू करे हैं ठीक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज इज दैट आर बी आई के वर्किंग पेपर बता रहे हैं कि ऑप्टीमल हेज रेशियो ऑप्टीमल हेज रेशियो फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज अबाउट सिक्सटी थ्री परसेंट हेज का मतलब क्या होता है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरन करेंसी में बोरो करा राइट right? तो मान लीजिए कि अगर आपने बोरो करा वन डॉलर इज वल टू सेवेंटी थ्री जब था आपने जो है मान लीजिए थाउजेंड डॉलर बोरो करे यानी कि अगर आपने थाउजेंड डॉलर बोरो करे तो यानी कि इफेक्टिवली क्या हुआ कि आपने सेवेंटी थ्री थाउजेंड बॉरो करा अब अगर करेंसी का डिप्रिसिएशन हो जाता है मान लीजिए कि वन डॉलर इज ईक्स टू सेवेंटी सिक्स हो जाता है और मान लीजिए कि आपको वन थाउजेंड डॉलर रीपे करने हैं तो वन थाउजेंड डॉलर रीपे करने के चक्कर के अंदर आप जो है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड रीपे करोगे दोस्तों राइट यानी कि जितना आपने बोरो करा था उससे काफी ज्यादा आपको जो है रिपे करना पड़ेगा राइट क्योंकि करेंसी का डिप्रिसिएशन हो गया अगर ये प्रकार से करेंसी का डिप्रिसिएशन होता है राइट और ये प्रकार से आपको ज्यादा ज्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ता है बिकॉज आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी मान लीजिए आपने बाहर से डॉलर उठा के लोन लेकर आए और करेंसी डिप्रिशिएट मार जाती है और ये प्रकार से आपको ज़्यादा ज़्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों राइट और ये हज़ार डॉलर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जब बोरोइंग करी जाती है तो ये जो डिफरेंस है कि कितना बोरो करा और कितना रिपे करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है दोस्तों तो हेजिंग करी जाती है दोस्तों हेजिंग करी जाती है इसका मतलब क्या है कि सिंपल बात में बताता हूँ कि पोजिशन ली जाती है राइट सच दैट की जो भी जो भी बॉरोवर है उसको सेवेंटी थ्री रूपीज के हिसाब से ही रिपे करना पड़ेगा तो वो ऐसी पोजीशन बनाएगा मार्केट के अंदर वो ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा मार्केट के अंदर सज दैट की वो इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि उसको सेवेंटी थ्री रुपीज के अंदर करेंसी मिलेगी इ रिस्पेक्टिव ऑफ की करेंसी का भाव क्या है के भाव 71 है तो भी 73 में मिलेगी के भाव 76 है तो भी 73 के अंदर मिलेगी तो ये प्रकार से जो पोजीशन ली जाती है तो उससे क्या होता है कि सर्टेंटी आ जाती है उससे क्या होता है कि अश्योरेंस रहता है फर्म के पास कि भाई हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमने बोरो करा था इतना हम रिपे करेंगे इतना चाहे करेंसी का एक्सचेंज रेट कुछ भी होने दो राइट तो ये जो इस प्रकार से मार्केट में पोजीशन बनाई जाती है इस प्रकार से जो है मार्केट के अंदर आप सिक्योरिटीज को खरीदते हो ये प्रकार की सिचुएशन को हम लोग हेजिंग बोलते हैं दोस्तों हेजिंग राइट ऐसा तो तो ऐसा है नहीं ना दोस्तों की अगर पूरा मान लीजिए कि टेन मिलियन डॉलर लिया है बोरो करा है तो टेन का टेन मिलियन डॉलर को हेज कर डालाओगे उठा के कि हमारा जो है फॉरवर्ड बुकिंग करके रखेंगे कि सेवेंटी थ्री के हिसाब से सारा सामान बुक करके रखो एक रुपया भी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं होता है राइट तो आरबीआई क्या बोल रहा है आरबीआई का वर्किंग पेपर क्या बोलने लग रहा है कि जो भी आपने borrowing करें उसका 63%, उसका 63 आपको हेजिंग करके रखना है दोस्तों तो ऑप्टिमल हेज रेशियो है ये ऑप्टिमल हेज रेशियो मतलब क्या है इंप्लाइज की परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और लाइबिलिटी एक्सपोजर दैट एन एंटिटी ऑट टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन तो अगर सबको सिक्सटी इज द ऑप्टिमल हेज रेशियो तो अगर आपने हजार डॉलर उठाए हो तो आपको 630 डॉलर की हेजिंग करके रखनी चाहिए यानी कि मेक श्योर sure करके रखना चाहिए सिक्सटी सिक्स थर्टी डॉलर आपको एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है अवेलेबल है तो उसको आपको सेफ माना जाएगा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू घूंगरू गुड मॉर्निंग इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक्सटर्नल कमर्शियल बोइइंगस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और ज्ञान बांटूं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू का राइट right? तो आप जानते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो प्रकार के अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट एक होता है कैपिटल अकाउंट एक होता है दोस्तों तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है नीचे वाला कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने लग रहा है इंडिया से जाने लग रहा है जितना भी लोन इंडिया में आने लग रहा है इंडिया से जाने लग रहा है वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है तो आपका जितना भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है दोस्तों जितना भी ए टू जेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों इज दिस परफेक्टली क्लियर टू एवरीबडी इज दिस परफेक्टली क्लियर टू एवरीबडी तो दोस्तों सिक्सटी थ्री परसेंट नंबर याद कर लेना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का बेसिक फैक्ट मैंने आपको बताया है वो याद कर लेना दोस्तों ठीक है चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करते हैं राइट right? जो आप लोगों को कल पढ़ाया है उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो आज पढ़ा रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछेंगे दोस्तों मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों आप लोगों के लिए राइट right? कि ये डी साथी क्या है दोस्तों डी साथी क्या है वॉट इज डी साथी किसने लॉन्च करा है डी साथी को आप लोगों को डी साथी का डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करनी है कल हमने डिस्कस कराया प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो जो स्टूडेंट्स थे जो स्टूडेंट्स नहीं थे

ब्रेक करके ले नहीं सकते हो दोस्तों तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंस अट्रैक्ट करना चाहती है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना चाहती है राइट और इसीलिए जो जो है है इन्होंने ये डिपॉजिट डिपॉजिट नॉन कॉलेबल पार्शल प्रीमियम विड विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं है इंटरेस्ट अमाउंट मंथली क्वार्टरली या मेच्योरिटी के ऊपर जब भी आपको चाहिए जैसे भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा लेकिन एफडी को आप तोड़ नहीं पाओगे दोस्तों राइट और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा उसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो राइट निलेश आपने पूरा करेक्ट आंसर दिया है ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन राइट जो कि आर ने लॉन्च करा है इट इज अ ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स राइट डीजी साथी जो है क्या है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हेल्पलाइन है फॉर डिजिटल पेमेंट्स दोस्तों ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये डिजिटल पेमेंट्स की एक प्रकार से जो है हेल्पलाइन है दोस्तों ये प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी पूछता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों फटफट फटफट फट, ठीक है मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है एमबिट <coughs> इन्वेस्ट ने कोल एंडिंग अग्रीमेंट साइन करा विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ताकि एमएसएमई कस्टमर्स को जो है फाइनेंसिंग दी जा सके ये एमबिट इन्वेस्ट का सीओ और सीएफओ कौन है हु इज द सी एंड सीएफओ ऑफ एमबिट इन्वेस्ट राइट ये आप लोगों को क्वेश्चन खराब लगेगा राइट right. लेकिन आप लोगों को इसका आंसर देने की कोशिश करनी है मैं देखना चाहता हूं कि किसको इसका आंसर मालूम है राइट right. एमबिट इन्वेस्ट का सी एंड सी कौन है दोस्तों एग्जाम में ऐसे चीप प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा तैयार रहना है आपको एग्जैक्टली exactly ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट इस प्रकार के चीप क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों राइट right? चलिए तो इसका आंसर जो है इसका आंसर है संजय ढोका दोस्तों संजय ढोका टाइप कर दीजिए अगर नहीं मालूम है तो संजय ढोका ठीक है मूविंग अहेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन करा है नोटिफाई करा है स्कीम ताकि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है हम लोग अमालगमेट कर सके राइट तो जितने भी 2022 में जितने भी ब्रांचेस है पीएमसी बैंक के वो लोग बन जाएंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेज दोस्तों ठीक है तो ये हो गया एक चीज ये इंपॉर्टेंट है सिटी यूनियन बैंक ने जो है हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जीओ क्यू आई आई राइट और एनपीसीआई के साथ एक प्रकार का एक अरेंजमेंट क्रिएट कराए हैं राइट

संजय अग्रवाल आंसर नहीं है भैया संजय ढोका है ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा मूविंग मूविंग अहेड अहेड मैंने आप लोगों को कल पूछा था कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का चेयरपर्सन कौन है क्या आप लोग ने देखा दोस्तों हु इज द चेयरपर्सन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो कल हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर दैट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

मूविंग अहेड डिसम्बर 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फड़ दोस्तों इंडिया वन पेमेंट्स ने जो है टेन थाउजेंड नहीं वन लैक वन लैक वाइट लेवल ए जिनको इंडिया वन ए कहा जाता है राइट इन वाइट वन लैक वाइट लेवल ए को डिप्लॉय करा है दोस्तों मैं आप लोगों को छोटा सा होमवर्क ये देना चाहता हूँ कि ये व्हाइट लेवल ब्राउन लेवल ऑरेंज लेवल ये सारे प्रकार के जो ए हैं इनके डेफिनेशन को आप लोग पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों डोंट टेक इट लाइटली पहले भी पूछा गया है आगे भी पूछा जा सकता है जो भी ये ए की कलर कोडिंग है या तो आप लोग जानते हैं या आप लोग पढ़ेंगे दोनों में से एक चीज आप लोग जरूर करेंगे ठीक है कि आप लोग जरूर कमेंट करके निकालेंगे कि ये व्हाइट लेवल ए ब्राउन लेवल ए ग्रीन लेवल ए क्या होते हैं जो भी होते हैं दोस्तों ठीक है सो अब ये जो इंडिया वन पेमेंट्स है दोस्तों ठीक है जिसका आईपीओ आने वाला है ठीक है इसको जो है बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो है प्रमोट कर रखा है दोस्तों ठीक है इसका पहले नाम बी टी वन पेमेंट था दोस्तों बी टी वन पेमेंट सिस्टम इंडिया वन ए टी एम जो है इट हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट वाइट लेवल एटीएम ब्रांड सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर तो ये वन लाख का माइल इन्होंने क्रॉस करा इसलिए ये माइल स्टोर है दोस्तों राइट वाइट लेवल ए का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है देखना है दोस्तों राइट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्स मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स को साइमल्टेनियसली लिस्ट करवाया है इंडिया आई के ऊपर एज वेल एज लगजमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एज वेल एज लगजम्बर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ड्यूअल लिस्टिंग करी गई है ठीक है सो ये जो ड्यूअल लिस्टिंग है राइट right? तो जो 2020 का सस्टेनेबल फाइनेंस का जो हमारा टॉपिक uh, था दोस्तों राइट right? या जो हमारा एजेंडा था वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के अंदर ये टॉपिक था सस्टेनेबल फाइनेंस का शायद उसको ध्यान में रखकर ये सारी चीजों को करा गया है दोस्तों ठीक है सो इंडिया हैज नाउ ज एज लीडिंग बॉन्ड लिस्टिंग वेन्यू तो बहुत सारे बॉन्ड्स इंडिया आई एन एक्स के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेन दोस्तों राइट right. तो so, ये अमाउंट याद कर लीजिए सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन डॉलर का ग्रीन बॉन्ड साइमल्टेनियसली करा गया है दोस्तों राइट right. तो so, ये बड़ी बात है दोस्तों अच्छी बात है राइट मूविंग अहेड ठीक है मूविंग अहेड सो नीलेश आपने बताया है ओन बाय प्राइवेट कंपनी वाइट लेवल ग्रीन लेवल फॉर देखना पड़ेगा समझ में नहीं आया नीलेष देखना पड़ेगा प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन आरबीआई ने अनाउंस करा है कि डैश इंस्टीट्यूशन विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 तो कौन से इंस्टीट्यूशन को हमने बोला है कि इट विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज बाय आरबीआई एज एन ए राइट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है रेगुलेट सुपरवाइज करने वाले हैं एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ नाइनटीन प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन मूविंग अहेड राइट प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक ने लॉन्च करा है राइट यू नो फीचर रिच सेविंग बैंक अकाउंट फॉर वेमेन दोस्तों ये जो सेविंग स्कीम है इसको महिला मित्रा प्लस बोला जाने लग रहा है ठीक है uh, इससे ज्यादा मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर लग नहीं रहा आई डी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट ये मेटल डेबिट कार्ड है वीजा के साथ जो है इसे लॉन्च करा गया है दोस्तों लाइफ टाइम फ्री कार्ड है ठीक है uh, जो भी बैंक के फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम के अंदर है प्रीमियम सेविंग्स वेल्थ ऑफरिंग्स के लिए उनके लिए जो है फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट को जो है लॉन्च करा गया है राइट मूविंग अहेड बिफोर आई मूव हेड लेट मी आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन नैप इज द राइट आंसर आप लोग मेरे इजी इजी क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए दोस्तों राइट right? मेरा एक और क्वेश्चन है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव कौन से म्यूचुअल फंड ने स्टार्ट करा है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव uh, कौन से म्यूचुअल फंड ने स्टार्ट कराया पहला क्वेश्चन है राइट right. मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से यूपीआई पेमेंट सर्विस राइट यूपीआई आप लोग वॉइस से कर पाओगे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है वॉइस से कर पाओगे तो वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस है ये आपको बताना है दोस्तों राइट right. तो आप लोगों का जो पहला आंसर है वो करेक्ट एच डी एफ सी राइट दूसरे आंसर का इंतजार है राइट right? दूसरे आंसर का इंतजार है दूसरा आंसर भी आप लोग दे दीजिए ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च uh, करा है पी एन बी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल टूल राइट तो ये क्या करेगा ये डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉज को हेल्प करेगा राइट right? ताकि वो लोग जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट कि जो बोर है उनके ऊपर नजर रख सके एस एम ए का फुल फॉर्म टाइप कर दीजिए स्पेशल मेंशन अकाउंट तो अगर आपका पैसा ओवर uh, ड्यू हो जाता है दोस्तों राइट यानी कि अगर आपको जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट करना है वो आपने नहीं करा है फॉर ग्रेटर देन थर्टी डेज ग्रेटर देन सिक्सटी डेज तो आपको स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है दोस्तों राइट सो प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ एस एम ए दोस्तों राइट आयुषी योर आंसर इज करेक्ट और भी लोगों के आंसर करेक्ट होंगे बट आयुषी आपका आंसर पूरा करेक्ट है क्योंकि आपने मुझे तीनों चीज़ें बता दिए राइट आपने मुझे तीनों चीज़ें बता दी इसलिए मैं आयुषी आपका नाम ले रहा हूँ बाकी लोगों ने भी बता दिया कि आप लोग बुरा मत मान जाना ऐसे नहीं कि डिसलाइक करने लग जाओ वीडियो को कि भाई हमारा कैसे नहीं बोला मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है भाई माफ़ कर देना दोस्तों सुबह सुबह टेंशन ना लेना ठीक है चलिए अभी दोस्तों ये जो आपके स्पेशल मेंशन अकाउंट है एस एम ए अकाउंट जो है इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लियर क्लियर इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है ये डेज का क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है दोस्तों राइट प्लीज नोट डाउन करिए आप लोग राइट डाउन करिएगा एंड डोंट टेक इट लाइटली मैं आपकी जगह होता तो मैं लाइटली नहीं ले रहा रहता था इस सब चीजों को राइट स्पेशल मेंशन जीरो अकाउंट एस एम ए जीरो का मतलब क्या है दोस्तों राइट एस एम ए जीरो का मतलब ये है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट इज होली और पार्शली ओवर ड्यू फॉर वन टू थर्टी डेज प्लीज राइट डाउन करिए मैं यहां पर आपको लिख कर दे देता हूं एस एम ए जीरो एस एम ए जीरो का मतलब क्या है एस एम ए ज़ीरो का मतलब यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट इज होली और पार्शली ओवर ड्यू फॉर वन टू थर्टी डेज दोस्तों ये हो गया एस एम ए ज़ीरो एस एम ए वन क्या है दोस्तों राइट एस एम ए वन क्या है एसएमए वन के अंदर क्या होता है राइट right? कि ये जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है ये पार्शली या होली ओवरड्यू है थर्टी वन टू सिक्सटी डेज के लिए थर्टी वन टू सिक्स डेज के लिए और एस एम टू क्या है एस एम टू है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इस पार्शली और होली ओवरड्यू फॉर सिक्सटी वन टू नाइन्टी डेज और ग्रेटर देन नाइन्टी डेज की कैटेगरी के अंदर जाएगा राइट ग्रेटर देन डेज की कैटेगरी में जाएगा तो तो उसको हम लोग एनपीए तो दिखाई दे रहा है ओवर जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है डेप्ट सर्विस टाइम पे नहीं कर पा रहा है राइट तो हमने एनपीए नहीं है दोस्तों ये यानी कि एनपीए नहीं है ये अर्ली रिकॉग्निशन है दोस्तों राइट right? अगर मान लीजिए अब जैसे कैसा होता है ना कि मैं आपको डायरेक्ट बोलू अभी अविनाश एनपीए बन गया तो कोई मतलब नहीं है ना पहले बताना चाहिए था कि अविनाश एनपीए बनने जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखते थे तो एस एम जीरो यानी कि अविनाश एनपीए की तरफ चलना स्टार्ट कर चुका है एस एमए वन यानी कि अविनाश एनपीए के नजदीक जा रहा है एस एम टू यानी कि अविनाश एनपीए के बहुत नजदीक जा चुका है कभी भी एनपीए बन जाएगा तो ऐसे करके बैंकिंग सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई जो एस एम ए वन बन चुके ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो उसके पास रोज जाओ उसको बोलो पैसा दो पैसा दो पैसा दो और एस एम टू बन गया तो सारा काम छोड़ दो उसके पीछे भागो उसको बोलो पैसा दो पैसा दो पैसा दो एम आई करेक्ट तृप्ति एम आई करेक्ट गुरनीत राइट एम आई करेक्ट दोस्तों राइट right. सो so, इससे क्या होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेड का प्रॉब्लम जो है ये अंडर कंट्रोल रहेगा दोस्तों ये नॉन परफॉर्मिंग एसेड्स का जो प्रॉब्लम है ये अंडर कंट्रोल रहेगा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आप लोगों को कुछ नया सिखाया अच्छा लगा मज़ा आया ठीक है इज इज क्लियर गाइस हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है नीलेष जी बिल्कुल सही बात है राइट चलिए चलिए दोस्तों चलिए सिटी यूनियन बैंक राइट इन कोलेबोरेशन विद एनपीसीआई एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर शेषा साई देव अनाउंस द लॉन्च ऑफ रुपए ऑन द गो कॉन्टेक्ट लेस वेरेबल किचन डेबिट कार्ड कस्टमर दोस्तों ठीक है तो रुपए ऑन द गो कॉन्टेक्ट लेस किचन वेरेबल किचन ठीक है कोई घड़ी लॉन्च कर रहा है कोई किचन लॉन्च कर रहा है ये घड़ी के अंदर और किचन के अंदर पैसा डलवा कर दे दो खर्चा कर लेंगे सब लोग है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या बोले ठीक है आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन राइट उसके अलावा दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया आरबीआई ने उसको सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ नाइनटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है राइट right? दोस्तों ये चीज आप लोग थोड़ा सा देखना देखना जरूर राइट कि ये जो सेकंड शेड्यूल है एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जरूर देखना दोस्तों आप लोग जरूर देखना ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरा दिल कहता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए राइट बच्चों को गुस्सा आना चाहिए ना कि उसने पढ़ के आया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक है वो सब नहीं पूछ रहा है क्या पूछ है नंबर बताओ कितनी नंबर ऑफ बैंक शेड्यूल बैंक के अंदर है फिर आपको लगेगा कि मैगजीन वाले जो है खराब है मैगजीन वालों ने अपना काम बराबर से नहीं करा फिर आपको मेरे ऊपर भी गुस्सा आएगा कि मैंने भी अपना काम बराबर से नहीं करा मैं अपना काम बराबर से करने की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ और रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि ये चीज़ों को थोड़ा सा इसे स्टडी करने का ठीक है चलो आगे बढ़ो राइट शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करा है इंडिया गोल्ड के साथ ताकि इंडिया का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड जो है दिया जा सके राइट तो अपटू सिक्सेंड रुपीज आप लोग बोरो कर पाएंगे राइट मंथली इंटरेस्ट ऑफ जस्ट वन परसेंट दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ जस्ट वन परसेंट दोस्तों ठीक है सो so, एक्सेस मिलेगा आपको सिक्योर एंड अफोर्डेबल क्रेडिट को क्विक लिक्विडिटी मिलेगी अगेंस्ट योर गोल्ड एसेट्स दोस्तों तो so, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आपने ध्यान रखना है दोस्तों राइट right? अरे किचन मतलब किचन भाई मैं हिंदी क्या है कि मतलब हिंदी में पढ़ा पढ़ा के अंग्रेजी भूल चुका हूँ राइट तो ये किचन नहीं है दोस्तों ये है अच्छी बात है दोस्तों चलिए अच्छा मजा आया है ना चलिए वो हो गया था ना दोस्तों वो आपने देखा होगा दोस्तों कल होना हो पिक्चर के अंदर दोस्तों ऐसा वैसे होता है ना दोस्तों कि प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है हॉल को हम लोग होल बोल देते हैं समझ में नहीं आता कि क्या चलने लग रहा है दोस्तों ऐसा टाइप का हो गया दोस्तों चलिए फेडरल बैंक ने बैंक का अश्योरेंस पार्टनरशिप साइन करी बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है दोस्तों लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मैंडेटरी है जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होने लग रहे हैं चाहे कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो चाहे करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो पचास करोड़ और ऊपर का जो ट्रांजेक्शन है राइट उसके ऊपर जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होना जरूरी है कंपल्सरी है दोस्तों राइट तो जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है बीस डिजिट का नंबर है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा पार्टीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व है राइट फाइनेंशियल डेटा सिस्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएगा ठीक है तो ये आप लोगों को मैंने बताया अब मैं आप लोगों को जरा क्वेश्चन पूछता हूँ दो चार पी पीछे से क्वेश्चन आपको देता हूँ आप लोग जो है क्वेश्चन के आंसर करिए राइट right? अच्छा ये बताओ ठीक है ये बता दीजिए कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर पीपीआई इशुअर हैज अचीव फुल इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर इट्स पीपीआई एज मेडेडेड बाई आरबीआई यानी कि पहला इशूअर बन चुका है वो पीपीआई का टू अचीव फुल इंटरऑपरेबिलिटी तो ये कौन है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर पीपीआई इशूअर जिसने फुल इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव कर ली है वो कौन है दोस्तों ये बता दीजिए फुल इंटर ऑपरेबिलिटी राइट आयुषी आपका आंसर इज अगेन करेक्ट थैंक यू मूविंग अहेड बैंक ऑफ बड़ोडा ने डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स के लिए सोल्यूशन लॉन्च है बॉब वर्ल्ड वेव राइट ये भी वेरिएबल टेक्नोलॉजी है ठीक है इसमें लोगों को ट्रिमेंडस इंटरेस्ट है दोस्तों राइट right? एंड uh, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा जा रहा है कैशलेस डिजिटल पेमेंट करवाने के लिए राइट सो दिस इज एन इनोवेटिव सोल्यूशन दोस्तों मतलब अभी थोड़े टाइम ऐसे टीवी पे ऐड आया करेगा है ना कि यू you नो know, कि पेमेंट मतलब जैसे पहले मतलब हम लोग ना ऐसे भागते हुए कूदते हुए पेप्सी और कोको कोला का एड दिखा करते थे अक्षय कुमार का अभी ऐसे लोग ऐसे स्टोर के अंदर से ऐसे भागेंगे ऐसे सुपरमैन के जैसे या कैप्टन अमेरिका के जैसे हाथ आगे करते हुए और उसके अंदर ऐसे आ, ऐसे वेरेबल टेक्नोलॉजी में पेमेंट रहेगा तो ऐसे ऐसे करके पेमेंट करके ऐसे झुप करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे दोस्तों ऐसे करके ऐड आया करेगा दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल को नौकरी लेनी पड़े यहाँ वहां तो ये प्रकार की ऐसी इनोवेटिव थिंकिंग वाली नौकरी के लिए मेरे को अप्लाई करना चाहिए दोस्तों राइट चलिए हेड एक्सिस बैंक इज वर्किंग विथ न्यू डिजिटल सर्विस फ्रॉम प्रोवाइडर स्विफ्ट ठीक है टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहसि टू क्लाइंट मतलब सुबह सुबह ऐसे चीप जोक्स मार सकते हैं दोस्तों मतलब गजब लेवल का मतलब दिमाग चलने लग रहा है दोस्तों ये बात है ठीक है या फिर मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और जानबूझ के जोक्स मार रहा हूं दोस्तों ठीक है सो बैंक इज ये अन इंपॉर्टेंट लग रहा है मूविंग अहेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है प्रॉम करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर लार्ज एनबीएफसी अक्टूबर 2022 से ये एप्लीकेबल होगा राइट right? तो ये एनबीएफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा जब भी उनके फाइनेंशियल मेट्रिक एक प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड के नीचे जाएंगे दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको इलाबोरेट करने की जरूरत है पांडे जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राइट right? तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी को जो है मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अंदर ऐड कर लीजिए जिसके ऊपर मुझे स्पेशल काम करने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों राइट सो प्लीज पांडे जी राइट right? Uh, इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा ठीक है मूविंग uh, एल दोस्तों सी ने लॉन्च करा है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस सेविंगखा है ना फीमेल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों उनको ध्यान में रखते हुए हमने धनरेखा को जो है लॉन्च कर दिया है दोस्तों ठीक है प्लान इज अलाउड फॉर थर्ड जेंडर राइट थर्ड जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों स्पेशल प्रीमियम रेट से कम यानी स्पेशल ज्यादा नहीं स्पेशल यानी कि ज्यादा नहीं कम प्राइजेस दे रहे हैं दोस्तों राइट और फुल्ली गारंटीड बेनिफिट्स है दोस्तों दोस्तों धन रेखा उसके अलावा राइट पेनल्टी मार बहुत अच्छी बात है ठीक है उसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने डिसाइड कर राइट टू मेक शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक एलिजिबल टू कंडक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस तो अब शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दोनों गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है काम कर पाएगी दोस्तों गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर पाएगी बॉन्ड्स वगैरह बेच पाएगी वगैरह वगैरह दोस्तों सो आरबीआई ने, कर ने, कर so, ने रिवाइज करा है अपने गाइडलाइंस को ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक एज एजेंसी बैंक और इन्होंने जो है आइडेंटिफाई करा है प्राइवेट सेक्टर बैंक एज एजेंसी बैंक आरबीआई फॉर कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस दोस्तों तो शेड्यूल पेमेंट्स बैंक शेड्यूल फाइनेंस बैंक ये भी गवर्नमेंट का एजेंसी बिजनेस के तौर पर काम कर पाएगी दोस्तों ठीक है Uh, उसके अलावा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस को बैंकिंग पार्टनर के तौर के ऊपर लिया गया महाराष्ट्र के अंदर राइट जय महाराष्ट्र राइट सो विथ एन ऑफर विथ एन एम टू ऑफर इट सर्विसेज टू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राइट बेकार न्यूज है दोस्तों क्योंकि बहुत सारी बैंक्स को ऑलरेडी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए बंधन करूर साउथ इंडियन बैंक को तो एक और को दे दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों ठीक है जो इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी मैं आपको साफ साफ बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है राइट right? आप ऑब्वियस ही बात है कि इंपॉर्टेंट चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर कौन से लोकेशन में सेटअप करा है बता दीजिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर महिला मनी प्रीपेड कार्ड हैज बीन बाय डैश 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 एंड महिला मनी प्रीपेड कार्ड हैज बीन लॉन्च बाय डैश डैश एंड डैश ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को बताने हैं व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर ओवर ह्यर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर सेटअप करवाए हैं राइट और डैश डैशन डैश क्या है महिला मनी प्रीपेड कार्ड के अंदर याद करके आपको बताने हैं बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद तेलंगाना पहले क्वेश्चन का आंसर इज करेक्ट राइट right. और महिला मनी प्रीपेड कार्ड डैश डैशन डैश क्या है दोस्तों बता दीजिए

कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है तो बेसिक बात यही है दोस्तों कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है राइट right, वो पब्लिकली नहीं बांटे जाते हैं वो सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं जब क्विक फाइनेंस रेस करना होता है वो कन्वर्टेबल होते हैं दोस्तों कि एक समय के बाद राइट right, वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो है आप कॉमन इक्विटी के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो शायद वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करा है दोस्तों सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इट इज़ वर्किंग एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और इन्होंने जीएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर सीसीपीएस के थ्रू पैसा लगाए हैं राइट right. तो सीसीपीएस को कॉमन इक्विटी अरे वाह सही बोला था मैंने दोस्तों कन्वर्जन ऑफ कॉमन इक्विटी इट विल बी टू जीएसडब्ल्यू बिजनेस परफॉर्मेंस ठीक है तो ये मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों ये मुझे अच्छा लग रहा है राइट right. अब जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों ने सबने आधा अधूरा दिया है तो मैं आप लोगों को पूरा आंसर बताता हूँ तो जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये था कि महिला मनी प्रीपेड कार्ड को डैश डैश इन डैश ने लॉन्च करा है तो महिला मनी कॉमा वीजा कौमा ट्रांसकॉर्प पीपीआई इन्होंने जो है मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च करा है फॉर वेमेन एंटरप्रनर्स डैश क्या है महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है गुरनीत कॉन्ग्रेचुलेशन बैंक ऑफ बड़ोडा ने अनाउंस करा है कि उसको नंबर वन पोजिशन मिली है ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर अमंग्स लार्ज बैंक राइट एक्सेप्शनल ग्रोथ हुआ है बैंक ऑफ बरोडा का दोस्तों राइट और डिजिटल पेमेंट उत्सव में बैंक ऑफ बड़ोडा को जो है फेलिसिटेट करा गया है दोस्तों फेलिसिटेट करा गया है राइट राइट कॉन्ग्रेचुलेशन गुरनीत ठीक है मूविंग अहेड एक्सिस बैंक ने अनाउंस करा है राइट इट्स अप्रूवल टू री क्लासीफाई इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड राइट ये पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर है राइट इन द बैंक पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर है देखना पड़ेगा कि ये प्रमोटर कैटेगरी और पब्लिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है कुछ तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए मुझे मालूम भी होना चाहिए दोस्तों राइट लेकिन आज के दिन तो नहीं मालूम है राइट कि एक्सिस बैंक जो है उसने क्यों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रमोटर कैटेगरी से पब्लिक कैटेगरी के अंदर डाल दिया शायद ऐसा हो सकता है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है अपना स्टेक कम कर दिया हो राइट तो अब वो प्रमोटर कैटेगरी में नहीं है शायद पब्लिक कैटेगरी में है राइट मेरा हंच यही है दोस्तों बट ये हंच को हमारे को कंफर्म करना जरूरी है दोस्तों राइट तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के रखता हूं और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी स्टडी करना मैं भी स्टडी करूंगा राइट कि प्रमोटर कैटेगरी से पब्लिक कैटेगरी के लेकर अंदर जाने का सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों नई नई चीजें जो हमारे सामने आती है उसको हमारे को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों की जिज्ञासा राइट वो काम आएगी दोस्तों ठीक है मूविंग अहेड राइट 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 मूविंग अहेड दोस्तों मूविंग अहेड आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का पहला इंश्योरेंस कंपनी बन चुका है जिसने साइन करा है यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट दोस्तों यूएनपीआरआई प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ यूएनपीआरआई यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट दोस्तों तो अभी आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कमिटमेंट दिखाया है कि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज को ध्यान में रखते हुए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए वो लोग इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों राइट तो आई प्रू लाइफ यानी क्या आईसीएनसी प्रोडेंशियल लाइफ ई एस जी फैक्टर्स को जो है अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आ रहा है दोस्तों यूएन एन जो है ये इन्वेस्टर इनिशिएटिव है राइट इसके अंदर दोस्तों आपकी यूनेप फाइनेंस इनिशिएटिव एंड यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इन्वॉल्व है यूनिप फाइनेंस इनिशिएटिव एंड यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट ये दोनों इन्वॉल्व है ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है दोस्तों ठीक है एज ऑफ नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यू एन पी आर आई का फुल फॉर्म टाइप कर दीजिए ई एस जी का फुल फॉर्म तो ईजी है अगर आपके लिए ईजी नहीं है तो आप टाइप कर दीजिए राइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के अंदर मार्क्स जाने नहीं चाहिए आने चाहिए दोस्तों राइट तो जितने भी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आने लग रहे हैं उसके ऊपर खास ध्यान हमारा होना चाहिए दोस्तों ठीक है उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मनी की डेवलपमेंट बैंक के ने जो है एक छोटा सा लोन साइन करा है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूग्रो कैपिटल ने कोलेंडिंग अग्रीमेंट साइन है हजार करोड़ रुपया जो है एमएसएमई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों ठीक है uh, जो क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दोस्तों राइट सो कैपिटल्स एमएसएमई सेगमेंट्स है राइट अंडर इट्स प्रोग्राम प्रथम संजीवनी साथी ग्रो एमएसएमई मशीनरी फाइनेंसिंग तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा है कैपिटल के पास जो है एक्सेस है एक्सेस टू बोरोवर्स है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैसे को यूज करके यूग्रो कैपिटल के प्लेटफॉर्म को यूज करके जो हम लोग लैंडिंग करवाएंगे दोस्तों ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट वन पेटीएम पेमेंट बैंक ने मनी के साथ पार्टनरशिप करी है राइट right? इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करवाना है डायरेक्टली टू पेटीएम वॉलेट दोस्तों ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए बिफोर आई मूव डिस्कस सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन राइट स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम कौन सी बैंक ने लॉन्च करा है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक बता दीजिए स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम हैज़ है लॉन्च बाय विच बैंक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हैज़ हैजिन लॉन्च बाय विच बैंक इन इंडिया ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हैज़ हैजिन लॉन्च बाय विच बैंक इन इंडिया hdfc bank kotak bank and axis bank they have each purchased a dash percentage stake in ondc hdfc bank kotak bank axis bank they have each purchased a dash percent stake in ondc so how much percent stake in ondc how much percentage stake in ondc have been purchased शियल सोल्यूशन लिमिटेड ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च है दोस्तों इंडियन नेवी के पर्सनल के लिए मूविंग अहेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीओ एफ टोकन गाइडलाइन कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन गाइडलाइन को सिक्स मंथ से एक्सटेंड कर दिया टू जून थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ राइट प्लीज टाइप द न्यू डेडलाइन तो मार्च दो हजार बीस के अंदर आरबीआई ने इश्यू करे थे गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स पेमेंट गेटवेस ठीक है प्रोहिबिटिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड मर्चेंट्स टू स्टोर कस्टमर कार्ड क्रीडेंशियल विद इन देर डेटाबेस आप कस्टमर का कार्ड का डेटा अपने डेटाबेस में नहीं रखोगे यहां पर दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का जनरल अवेयरनेस अगर आपको मैं पढ़ाना चाहूँ जो कि मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में फर्क क्या होता है दोस्तों राइट right? पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में फर्क क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पांडे जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों टर्म्स पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज़ को जो है आप उसमें ऐड कर लीजिए लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स के अंदर ऐड कर लीजिए राइट right. ये टॉपिक्स हमारे को डिस्कस करने हैं राइट right? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ पेमेंट गेट राइट मूविंग अहेड राइट आर ने इम्पोज कराए मॉनिटरी पॉन पेनल्टी वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है मूविंग हेड एच डी एफ सी बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एच डी एफ सी बैंक ने एम यू साइन करा है विथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक तो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करे जाएंगे राइट सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर आई पी पी बी का जो फोर पॉइंट सेवन कस्टमर्स का फोर पॉइंट सेवन करोड़ कस्टमर का जो बेस है उन लोगों को जो है एच डी एफ सी बैंक के साथ मिलकर आई पी पी बी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा दोस्तों तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर मदद मिलेगी राइट right? और आई पी पी बी का जो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज है उन नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज और एक्सेस पॉइंट्स को जो है यूज करा जाएगा दोस्तों उनको यूज करा जाएगा राइट फॉर गिविंग गुड क्वालिटी सर्विस ठीक है एच डी एफ सी बैंक ने बैंक साउथ इंडियन बैंक वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन मूविंग अहेड इंडस इंड बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाइप करा है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर पार्टनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ठीक है वट इज इंपॉर्टेंट इज दिस की इंडसइंड बैंक ने लॉन्च करा ग्रीन फिक्स डिपॉजिट तो जो भी डिपॉजिट प्रोजेक्ट जो भी डिपोजिट्स प्रोसीड आएंगे जो भी पैसा इकट्ठा करा जाएगा राइट right? सो so इसे यूज करा जाएगा टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड फर्म्स विच आर सपोर्टिंग दूर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स राइट यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है सपोर्ट करा जाएगा दोस्तों so जो ग्रीन डिपॉजिट है ये एक फिक्स टर्म डिपॉजिट है यह एक फिक्स टर्म डिपॉजिट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सरप्लस कैश इन्वेस्ट करना चाहते हैं राइट right? और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को मदद करना चाहते हैं दोस्तों ठीक है तो रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है एक्सिस बैंक दोस्तों एक्सिस बैंक सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट अक्वायरिंग बैंक इन द कंट्री है दोस्तों राइट सो एक्सिस वन स्ट्रेटेजी की वजह से ऐसा होने लग रहा है दोस्तों ठीक है इन्होंने जो है टू लैक कार्ड स्वाइप मशीन सॉल्व कर दिए हैं So, मैंने ये पहले भी कहा था दोस्तों वापस से कह रहा हूं मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि हु इज द सेकेंड ये चीज जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ राइट सो बिफोर वी मूव अहेड लेट एस आंसर सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशंस राइट सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू अ द क्वेश्चन इज दैट वार्निका करके इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर डैश हैज सेट अप इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेमड वार्निका एट डैश यहां पर इंक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोस्तों 1500 मेट्रिक टन इंक प्रोड्यूस करा जाएगा और ये इंक बैंक नोट्स को जो है प्रिंट करने के लिए यूज करा जाएगा सो डैश हैज सेट अप इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वार्निका एट डैश सो व्हाट इज डैश एंड डैश दोनों डैश एंड डैश के आंसर बता दीजिए दोस्तों राइट मूविंग अहेड फेडरल बैंक एंड आदित्य ने बैंक करा है राइट यस बैंक बैंक एंड बाजार ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड करा है राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड वेरी इंपॉर्टेंट नो नॉट इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के तौर पे बहुत सारे एजेंसी बैंक हो गए हैं तो मैं यहां पर ऐसे क्यों उड़ा रहा हूं दोस्तों ये अनइंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे लिए क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट हर महीने बहुत होते हैं ऐसे डेवलपमेंट्स हर महीने बहुत होते हैं ऐसे डेवलपमेंट्स हर महीने बहुत होने लग गए हैं राइट right? तो इवन वाइज इसे कवर करा जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ के अंदर लेकिन आर ने तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है लास्ट ईयर के अंदर तो इसीलिए मैं इसको टोटल इग्नोर मार के जो है आगे जाने लग रहा हूँ दोस्तों राइट right? तो आप लोग एकदम परफेक्टली गलत आंसर देने लग रहे हैं राइट right? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये आंसर्स पढ़ते हुए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बी आर बी एन एम पी एल बी आर बी एन एम पी एल दोस्तों बी आर बी एन एमपीएल जो है वो होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरबीआई ने सेटअप करा है दोस्तों तो जितने भी आंसर मेरे स्क्रीन के पर आ रहे हैं दोस्तों चाहे नीलेष पांडे जी आंचल आयुषी अलीशा योगेश ये सारे इन डायरेक्शन है दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों right, लोग ऑफर करेंगे दोस्तों पावर सल्यूट ये प्रकार के मल्टीपल इस प्रकार के अग्रीमेंट साइन कर दिए जा चुके हैं सिंस डिफेंस से रिलेटेड है थो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों थो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है हेड अन अदर वेरी इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि पांडे जी आप अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में ऐड कर दीजिए आर बी आई पी सी ए फॉर बैंक्स ठीक है सो आरबीआई ने इश्यू कराया फ्रेमवर्क राइट फॉर बैंक्स ताकि सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रियट टाइम करा जा सके मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स को इनडेप्थ कवर करवा दिया स्टूडेंट्स आप लोगों को और मेरे करंट अफेयर्स को लेक्चर जो हैं उसके अंदर मैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करूंगा अगले दो तीन दिन या तीन चार दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स जो है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स को जो है पूरा उड़ा देंगे और फिर आर बी के ऊपर जो है फोकस लेकर जाएंगे दोस्तों राइट तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है गुजारिश है राइट कि आप लोग जो है इन क्लासेस को बंक मत करा करिएगा अटेंड अच्छे से करा करिएगा लर्निंग लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फ़ेज़ टू में भी काम आएगी फ़ेज़ वन में भी काम आएगी मैं आप लोगों को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ इकनॉमी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन अंडरटेक करने के लिए और कर नहीं पा रहा हूँ दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग शेड्यूल इतना मेरा बढ़िया चलने लग रहा है दोस्तों कि हिम्मत नहीं बन रही है कि उसके अंदर आधी घंटा भी एक्स्ट्रा और ऐड कर दोस्तों राइट इसलिए थोड़ा सा झिझक रहा हूँ वेट कर रहा हूँ और अपने दिमाग को स्ट्रांग कर रहा हूँ फॉर टेकिंग अनदर वन आवर ऑफ लेक्चर दोस्तों तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है राइट ये मैं आप लोगों को पब्लिकली बताने लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पब्लिकली आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगा आपके फेज वन के पहले जो कि मैं करवाऊंगा राइट टाइम क्यों लग रहा है ये मैं आपको बताने लग रहा हूँ मैं आपको बताने लग रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करेंगे राइट मूविंग अहेड दोस्तों आरबीआई ने जो पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक को इंट्रोड्यूस करा था राइट ताकि सुपरवाइजरी इंटरवेंशन करा जा सके आरबीआई द्वारा अप्रोप्रिय टाइम के ऊपर राइट एक का इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन लेकर आया जा सके कि अगर कोई बैंक का फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ख़राब हो रहे हैं बद से बदतर हो रहे हैं तो उसके ऊपर समय के ऊपर ही एक्शन लेना जरूरी है राइट right? सो so, इसके अंदर कैपिटल एसेट क्वालिटी और लीवरेज वगैरह ये प्रकार के रेशियोज़ को मॉनिटर करा जाता है दोस्तों अभी जो रिवाइज पी फ्रेमवर्क है ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम जनवरी वन ट्वेंटी दोस्तों राइट right? ये शायद वापस से आगे पुश कर दिया होगा बट वी नीड टू स्टडी कि ये रिवाइज फ्रेमवर्क के अंदर रिवाइज क्या करा गया है दोस्तों that is the in depth study that is required right uh, moving ahead right state bank of india ne launch kara hai video life certificate service for pensioners dosto dosto ye life certificate ko hum kya bolte hain dosto ये लाइफ सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रखी है आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए कि जो life certificate pensioners को submit करने पड़ते हैं इसे क्या बोला जाता है दोस्तों इसे क्या बोला जाता है लाइफ ट को क्या बोला जाता है ये आप लोग बता दीजिए राइट आंसर है जीवन प्रमाण दोस्तों हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर पढ़ा है जीवन प्रमाण राइट right. तो जीवन प्रमाण के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वही जीवन प्रमाण के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ ठीक है कि आर गवर्नर शक्तिकांत दास ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ बी आर राइट तो ये कहाँ पर सेटअप करा जा रहा है जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है बी आर बी एन एम पी एल का कहां पर सेटअप करा जा रहा है मुंबई दिल्ली पुणे अहमदाबाद कहां पर सेटअप करा जा रहा है बता दीजिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए दोस्तों जीवन प्रमाण वाली बात समझ में आ गई तो अप दे दीजिए और ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए राइट राइट आंसर प्रूफ ऑफ लिविंग राइट घुंगू आंसर इज माइसूरू आंसर इज़ मैसूरू कर्नाटका इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस छावी गुरनीत नीलेष घुंगरू आंचल दोस्तों नियरली एक घंटा हो गया है राइट right. थोड़े टाइम में हो जाएगा जितने भी लोग हमारे साथ अभी प्रेजेंट है लाइव सेशन में एक बार यस टाइप कर दीजिए जो नॉन लाइव देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बहुत मेहनत तो लग रही है दोस्तों इनको बनाने के अंदर राइट एंड प्लीज हेल्प मी इन रीचिंग आउट मोर नंबर ऑफ लर्नर्स मोर नंबर ऑफ यूअर्स दोस्तों राइट सो फेनाकी थैंक यू फॉर बींगर राइट वी विल रैप अप दिस एंटायर डॉक्यूमेंट इन द नेक्स्ट वन आवर दोस्तों गुरनीत फिनाकी छी नीलेश रियली हैप फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस अलीशा राइट right, आप लोग को अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम के अंदर एग्जाम के अंदर रैंक लेकर आना है दोस्तों राइट फेज वन क्लियर करना है विथ फ्लाइंग कलर्स आयुषी आंचल तृप्ति राइट योगेश थैंक यू थैंक यू स्नेहाशीष थैंक यू पांडे जी राइट मूविंग अहेड गाइस मूविंग अहेड आरबीआई ने लॉन्च करता फर्स्ट ग्लोबल हैकेथन नेम्ड हार्बाइंजर 2021 राइट इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन तो हा इसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट तो हैकेथन के, के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों राइट अभी मैं इसको पहले पूरे डॉक्यूमेंट को ख़त्म कर देता हूँ और फिर इस डॉक्यूमेंट की जो है आपकी पूरी पूरी टेस्टिंग करवा देता हूँ ठीक है फास्ट स्पीड के ऊपर जाकर इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको खत्म करके दे देता हूँ ठीक है तो हार्बाइंजर ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो है ये जो है हैकेथन है दोस्तों ग्लोबल हैकेथन है ये क्या करेगा कि आइडियाज़ को जनरेट करेगा कि स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है दोस्तों ठीक है सो so, पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करा जा रहा है इन्वाइट करा जा रहा है राइट right? क्या आप आइए सोल्यूशन बनाकर दीजिए इंडिया के अंदर जो भी डिजिटल पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ठीक है तो हम सिक्योर करना चाहते हैं हमारे डिजिटल पेमेंट इको को कस्टमर प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है सो हारबाइडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाई आर बी आई क्या है फर्स्ट ग्लोबल मैक है इसका थीम क्या है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स ये तीनों चीज़ों के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड टू इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स बाय आरबीआई, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्ब्समन स्कीम पांडे जी प्लीज ऐड दिस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्ब्समन स्कीम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी मैं आपको कवर करवाऊंगा कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों राइट सो ये जो है इंटीग्रेटेड ओम्ब्समन स्कीम ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा कि आपको अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लोग जो है डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज़ के अंदर इन दोनों ही स्कीम्स के बारे में मैं आपको इलेबोरेटिव तरीके से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों मूविंग अहेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे थे डाइनर क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर अप्रैल 2021 के अंदर कि आप नए कस्टमर्स को नहीं ऑनबोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आप जो है इंडिया का फाइनेंशियल डेटा को अब्रॉड भेजने लग रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस को अब हटा लिया गया है रिस्ट्रिक्शंस सारा सारा तो को हटा लिया गया है और राइट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइंट वेंचर सेंटर ग्रुप और भारत पे के बीच में जो राइट तो इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं यूनिटी बैंक जो है ये डिजिटल फर्स्ट बैंक होगा राइट और ये जो है सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा भारत पे के को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर राइट हु इज इन न्यूज आई गेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट तो भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर एंड शाश्वत नाकरानी दोस्तों ठीक है एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम न्यूज इसलिए में भी है आ, नाम न्यूज में इसलिए भी है राइट क्योंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव को अब मर्ज कर दिया गया है दोस्तों ठीक है उसके बाद जो है इंडियन बैंक ने वी टेक्नोलॉजी को यूज करा है दोस्तों प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ वीसीआईपी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस दोस्तों वीडियो केवाईसी फैसिलिटी है राइट केवाई यानी कि नो योर कस्टमर तो आप एप्लीकेंट्स का अकाउंट ओपनिंग बड़े आराम से कर सकते हैं राइट वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वी टेक्नोलॉजी है राइट right?

तो फ्रॉड अवेयरनेस के दौरान जो है मुंह बंद रखो कैंपेन को जो है लॉन्च करा गया था ठीक है उसके बाद आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है इंटरनल अम्बर्टमन मैकेनिज्म आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है इंटरनल अम्बर्समन मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज राइट सो ये जो टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज है वो है आपकी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विथ टेन और मोर ब्रांचेस नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ फाइव थाउजेंड करोड़ एंड अब हैविंग पब्लिक कस्टमर इंटरफेस वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट किसके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंटरनल अम्बर्समन मैकेानिज्म फॉर एन बी एफ सीज डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सीज विथ टेन और मोर ब्रांचेस नॉन डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सीज विथ एसेट साइज ऑफ फाइव थाउजेंड करोर एंड मोर राइट इन दोनों प्रकार के एन बी एफ सीज के लिए इन दोनों प्रकार के एन बी एफ सीज के लिए जो है राइट इंटरनल अम्बर्ट्समन मैकेानिज्म को जो है लॉन्च करा गया है ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों वो है आपका पी आई डी एफ दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ आर बी आई ठीक है अब जो पी आई डी एफ है राइट सो इट है कॉर्पोज ऑफ सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन करोर दोस्तों ठीक है अब पी आई डी एफ का था इसको हमने जनवरी दो हजार इक्कीस में आरबीआई ने, ने लॉन्च करा था इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव था राइट right, की पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को जो है डिप्लॉय है टीयर थ्री टू टीयर सिक्स सेंटर्स के अंदर स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दोस्तों राइट वो टाइम पे आरबीआई ढाई सौ करोड़ रुपया देने वाला था और सौ करोड़ रुपया जो है आपकी जो कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है कार्ड इशू करने वाली बैंक है वो लोग जो है रिमेनिंग सौ करोड़ रुपया देने वाले थे दोस्तों अब इसका कॉर्पस जो है छे सौ चौदह करोड़ कैसे पहुंचा है दोस्तों राइट सो so, ये छे सौ चौदह करोड़ इसलिए पहुंचा है राइट क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एज वेल एज हर एक नए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशुएंस के ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा जो है आपको देना पड़ता है पी के अंदर राइट right? तो आरबीआई ने अपनी तरफ से पैसा दे दिया जो कार्ड नेटवर्क वाले हैं और जो कार्ड इश्यूंग बैंक है उन्होंने अपना अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन दे दिया और रिकरिंग कंट्रीब्यूशन आता है दोस्तों रिकरिंग कंट्रीब्यूशन आता है जो कि मैं आपको आरबीआई नोटिफिकेशन में बढ़ा चुका हूं रिकरिंग कंट्रीब्यूशन आता है कि पर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कितना पैसा देना है पर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन कितना पैसा देना है पर क्रेडिट कार्ड न्यू इश्यू कितना पैसा देना है पर डेबिट कार्ड न्यू इश्यू कितना पैसा देना है अब मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता हूँ ये पूछ के कि आप बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा लेकिन आप लोग रिवाइज करके रखिएगा याद करके जाइएगा कि पर डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है न्यू इशू कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है क्योंकि उसी कंट्रीब्यूशन को ले लेकर ले लेकर ले लेकर ले 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 जो है ये अमाउंट छः करोड़ के ऊपर पहुँचा है दोस्तों आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ जयंत कुमार डैश दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है जयंत कुमार डैश स्टडी करने को बोला था हर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग को कि कैसे फ्रॉड और कैसे जो कोअर्सिव प्रैक्टिस है उनको बंद कराया जा सकता है तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दोस्तों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल आरबीआई ने बोला कि आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक जो पहले थी राइट right, वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ सी बी डी टी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रेड इमर्ज करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कराए एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए ताकि डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऑफर करा जा सके राइट right? आसानी से जो है ट्रेड करी जा सके सो ट्रेड इमर्ज एंड आईसीआईसीआई बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉट वॉज इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज राइट मूव बंद रखो कैंपेन एच डी एफ सी बैंक इंटरनल अम्बर्स वन फॉर एन PIDF का कॉर्पस फंड का वैल्यू राइट जयंत कुमार डैश वर्किंग ग्रुप आरबीआई ने आरबीएल बैंक को बैंक एंड ट्रेड इमर्स दोस्तों दोस्तों राइट मूविंग टू द नेक्स्ट वन ने रिवील करा है ड्राफ्ट स्कीम फॉर अमाटिंग पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हमने कवर कर लिया है राइट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ज्वाइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल ग्रुप एंड भारत पे राइट right? ये हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों ठीक है ये हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है पार्टनरशिप करी है विद एच डी एफ सी बैंक राइट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए दिस इज राइट ने पेनल्टी इंपोज है बहुत अच्छी बात है एच एस बी सी इंडिया ने इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड फ्रॉम पी वाई सी प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कराई ये शायद थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट हो सकता है राइट right? तो ये जो प्लास्टिक है इसको री करने के अंदर शायद थोड़ी सी मदद मिल जाएगी दोस्तों राइट मूविंग अहेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है एन एवी ई कैश कार्ड ऑन आई एन एस विक्रमादित्य नेवल ई कैश कार्ड है दोस्तों ये नेवल ई कैश कार्ड राइट सो नेवल ई कैश कार्ड शिल्पा गुड मॉर्निंग सो so, ये जो नेवल ई कैश कार्ड है आई एन एस विक्रम आदित्य जो कि लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर लॉन्च करा है राइट पेमेंट इकोसिस्टम को इंप्रूव करना है राइट आपको कैश नहीं यूज़ करना पड़ेगा ऑन बोर्ड आप लोग कार्ड पेमेंट यूज़ कर पाओगे सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इस आर बी आई ने ग्रांट करा है एन ए आर सी एल को रजिस्ट्रेशन एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ए आर सी राइट ये जो लाइसेंस दिया गया है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं हर बार बताता हूँ जब भी मैं इस चीज़ को पढ़ाता हूँ दोस्तों कि ये जो लाइसेंस दिया, दिया गया है एज एन ए आर सी ये लाइसेंस दिया गया है अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपको वो पूछ सकता है कि जो लाइसेंस दिया गया है ये कौन से कानून के प्रावधान को यूज करके दिया गया है वो टाइम पे आपको दिमाग में शायद सार्फेजी नहीं आएगा दोस्तों प्लीज ध्यान में रखना कि सार्फेजी के प्रावधान को यूज़ करके जो है एन को जो है लाइसेंस दिया गया है एन के बारे में जितना पढ़ के चले जाओ उतना कम है प्लीज़ पढ़ के जाना क्वेश्चन आएगा दोस्तों फेज़ वन में आएगा फेज टू में आएगा लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट कोटक महिंद्रा बैंक डायरेक्ट इन डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगी इट्स फर्स्ट शेड्यूल प्राइवेट बैंक जिसको अप्रूवल मिला है टैक्स कलेक्शन के लिए निर्मला सीतारामन ने अनाउंस करा था कि ऑल बैंक्स विल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस सिंस ये फर्स्ट है देयरफॉर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों राइट सिक्स एस टाइप कर दीजिए स्वाभिमान समृद्धि संपर्क शिखर संकल्प एंड स्वागत

फेस्टिवल सीजन दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने ठीक है तो दिस इज द आइडिया ओवर हियर यूनिटी वाली बात हमने कई बार कर ली है दिस इज डन राइट इंडस इंड बैंक हैज़ अनाउंस की उसे भी ऑथराइजेशन मिला आरबीआई से कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा राइट कोटक महिंद्रा बैंक विल लॉन्च माइक्रो एटीएम अक्रॉस द कंट्री व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एटीएम माइक्रो एटीएम जो है वो स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है दोस्तों बैंकिंग कारस्पॉन्डेंट जो है इस हैंड हेल्ड डिवाइस को लेकर जा सकेंगे यहां से वहां राइट right? तो कैश विदड्रावल जो है उससे हो पाएगा अकाउंट बैलेंस जो है इस माइक्रो एटीएम से जो है माइक्रो एटीएम से अकाउंट बैलेंस चेक हो पाएगा दोस्तों राइट सो दिस इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों राइट दिस इज वेरी इनोवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट I don't know कि और किसने किसने माइक्रो एटीएम लॉन्च करा है बट फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट करूर वाइसिया बैंक को भी ऑथराइजेशन दिया है टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस राइट मूविंग अहेड सो वॉट इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज पंजाब नेशनल बैंक का सिक्स एस कैंपेन राइट स्वाभिमान समृद्धि संकल्प संपर्क शिखर संकल्प एंड स्वागत दोस्तों ठीक okay? है आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दिया यूनिटी को ये हमने पढ़ लिया है इंडस इंड जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करेगा कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ माइक्रो एटीएम राइट दैट इज ऑल पर मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट दिस्ट थिंग एनपीसीआई ने दोस्तों लॉन्च करा है एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम एन प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ एन टी एस एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम राइट right. uh, पांडे जी इट इज माई रिक्वेस्ट राइट कि आप एनपीसीआई पी टोकनाइजेशन सिस्टम को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐड कर लीजिए राइट बिकॉज ये एनपीसीआई ने लॉन्च करा है बिकॉज ये टोकनाइजेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right. सो so ये एन टी एस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है निकाल कर राइट एन पी सी आई टोकनाइजेशन सिस्टम ऑब्बियस ही बात है आप लोग जानते हैं कस्टमर के डेटा को ये सिक्योर करेगा रूपे कार्ड्स का टोकनाइजेशन में ये हेल्प करेगा राइट right. एन का टोकनाइजेशन सिस्टम इसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी निकाल कर जो आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा रखता हूं इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे लिस्ट में ऐड कर लीजिए राइट मूविंग अहेड वेरी इंपॉर्टेंट सेबी ने दोस्तों करा है फोर मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी राइट ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विजय डागा जो है रिटायर्ड जज हाई कोर्ट बॉम्बे के ही विल बी ही विल बी देयरपर्सन ऑफ दिस हाई पावर एडवाइजरी कमेटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ठीक है मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और सेटलमेंट ऑर्डर आता है ठीक है और उस सेटलमेंट को नहीं माना जाता है तो वो सारी चीजों से रिलेटेड ये हाई पावर एडवाइजरी कमेटी को एस्टेब्लिश करा गया है टू तो डील करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों ठीक है मूविंग वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग ओवर हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाबार्ड ने अनाउंस करा है क्रिएशन ऑफ कराया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एफ पीओ दोस्तों क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एफपीओस राइट ये डेडिकेटेड फंड है जो क्रेडिट गारंटी देगा एफपीओस को अब ये जो फंड है इट हैज बिन लॉन्च अंडर द ट्रस्टीशिप ऑफ नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड नैब संरक्षण दोस्तों नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये फंड को सेटअप करा गया है और जो नैब संरक्षण है राइट ये होली ओन सब्सिडरी है नाबार्ड की पंडित जी ये फंड के नाम को जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में ऐड कर लीजिए देखने वाली बात ये है कि इस फंड के थ्रू करा क्या जाएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है कि ये फंड का कॉर्पस कितना है वन थाउजेंड करोड़ का राइट ये कॉर्पस किसके अंतर्गत लॉन्च करा गया है राइट किसके ट्रस्टीशिप के, ट्रस्टी के अंतर्गत लॉन्च करा गया है ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं राइट right. ये क्वेश्चन आप लोग आंसर कर लेंगे लेकिन इसके आगे का अगर क्वेश्चन आता है राइट right, कि ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और FPO के अंदर करा क्या जाएगा राइट right? सो so ये अपने करना बेहद ज्यादा जरूरी है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएस डी राइट एंड यूएस एड इन्होंने लॉन्च है हंड्रेड मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एम एस एम ईज इन इंडिया दोस्तों राइट ये जो फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ यूएस एड्स ग्लोबल वुमन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फंड इनिशिएटिव दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल रीजन के लिए है राइट ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एम एस एम ईज के लिए इंपॉर्टेंट है और वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है राइट सो एच डी एफ सी बैंक मास्टर कार्ड यू एस डी एफ सी यू एड इन्होंने लॉन्च करा है हंड्रेड मिलियन डॉलर का क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एम एस एम ईज दोस्तों राइट वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भारतीय अक्सा ने बैंक का एश्योरेंस साइन कराया विथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस ठीक है uh, उसके बाद इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ए यू स्मॉल फाइनेंस ने जो है क्यू आर कोड साउंड बॉक्स लॉन्च करा है राइट right? ये पहली बैंक है इस प्रकार के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इसलिए शायद ये इंपॉर्टेंट है राइट right? तो ये जो क्यू आर साउंड बॉक्स है ये मर्चेंट्स को हेल्प करेगा विदाउट द ऑफ रीडिंग एवरी टाइम दैसे कस्टमर मेक्स अ पेमेंट राइट अरे वाह राइट <laughs> right. तो जो भी पेमेंट आएगा तो क्यू आर कोड साउंड बॉक्स जो वो बोल के सुना देगा कि इतना पेमेंट आया है राइट right? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों वेरी इनोवेटिव दोस्तों वेरी इनोवेटिव राइट सो वॉट इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज राइट एन टी एस एन पी सी आई टोकनाइजेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट Right. Of राइट सेबी का जो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज वो इंपॉर्टेंट है नाबार्ड ने 1000 करोड़ का सी जी एफ टी एफ पी वो लॉन्च कराया अंडर नैब्स एंडरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड इंपॉर्टेंट है एच डी एफ सी मास्टरकार्ड यूएस डी एफ सी एंड यू एस एड ने मिलकर हंड्रेड मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एम एस एम ई इसको क्रिएट कराया है राइट भारतीय अक्सा बैंक का एश्योरेंस विथ उत्कट स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ है ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च कराया क्यू आर क्विक रिस्पांस कोड साउंड बॉक्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों राइट मूविंग अहेड मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन राइट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट दोस्तों राइट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू ओ यू साइन कराया विथ सी डैक हैदराबाद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्यूटिंग हैदराबाद के साथ उन्होंने जो है एम साइन करा है राइट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए राइट right. बैंक ने उसके पहले जो है स्पिन एंड लर्न करके प्रोग्राम को लॉन्च करा था जो कि एक ई e बुक है राइट right? ऑनलाइन गेम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों राइट सो सिंस ये साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा से रिलेटेड है राइट सो देर फोर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों राइट मूविंग टू द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी दोस्तों राइट right? तो मैंने अपना जो कवरेज है उसको सेप्टेंबर ट्वेंटी तक ही एक्सटेंड करा है मैं उसको अगस्त और जुलाई और जून एटसेट्रा के अंदर अभी नहीं लेकर जा रहा हूं मेरा रीजन ये है कि पहले अक्रॉस द सिलेबस अक्रॉस द डोमेन्स पहले इतना तो कवर कर लेते हैं इतना तो याद कर लेते हैं और ये तो जो दोस्तों शुरुआत है इसके आगे जो है आपके ऊपर और इन्फॉर्मेशन खाली इंक्रीज होने वाला है आर बी और इंक्रीज ही होने वाले हैं राइट right? तो इसीलिए मैंने अपने आप को सितंबर 2021 तक रोक लिया दोस्तों सितंबर 2021 को हम कवर करेंगे क्या ये अप्रोच आप लोग अप्रूव करते हैं मेरे हिसाब से मैंने ये सोच के ये अप्रोच को बनाया मैं आपको बता दिया रीजनिंग क्या आप इस अप्रोच को अप्रूव करते हैं राइट right? जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पांडे जी शिल्पा छावी नीलेष आंचल फिनाकी छा एज वेल एज एल्स घुंगरू आयुषी अलीशा गुरनीत राइट गाइज डू यू अप्रूव ऑफ दिस राइट डज दिस मेक सेंस टू यू राइट गाइस राइट राइट थैंक यू तृप्ति राइट ऑल राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इंक्रीज करा है लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज करा है लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड ट्रांजेक्शन टू रुपीज टू लैख पर ट्रांजेक्शन सीलिंग लिमिट लिमिटे बारह ट्रांजेक्शन इन ईयर के राइट right? इस लिमिट को भी हटा दिया गया है लेकिन अगर आप आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो दो लाख रुपए तक आप कर सकते हैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन अगर आप कैश बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हैं कैश बेस्ड ट्रांसफर अगर आप करने लग रहे हैं राइट right? तो उसके ऊपर अभी भी पचास हजार का लिमिट है और बारह ट्रांजेक्शन का लिमिट है यानी कि ज्यादा से ज्यादा छह लाख रुपए का लिमिट है कैश बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो अभी भी लिमिट है फंड ट्रांसफर आप अदरवाइज कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है दोस्तों ठीक है कीप दिस इन माइंड मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एट थर्टी के ऊपर आप लोगों का टेस्ट है दोस्तों राइट जुलाई ऑगस्ट और सेप्टेम्बर के जीए का टेस्ट है ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म मैं देख रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स आते नहीं है उनको ये लगता है कि यू you नो know, अब जीए की क्लास में आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती करेंगे दोस्तों राइट क्योंकि जो वहां पर मैं आपसे बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं 200 200 250 250 क्वेश्चंस पर मंथ सॉल्व करवा रहा हूँ और जो टेस्टिंग करने लग रहा हूँ राइट right? हाँ जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात है पांडे जी तो आप लोग का टेस्ट है एट 8:30 आप लोगों को प्रेजेंट रहना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन करा फ्लोटिंग एटीएम ऑन अ हाउस बोट एट द लेक इन जम्मू एंड कश्मीर राइट सो Uh, ये पहली बार नहीं है दोस्तों फ्लोटिंग एटीएम लाया गया है केरला के अंदर भी फ्लोटिंग एटीएम लाया गया था दोस्तों एच डी एफ सी लाइफ ने हंड्रेड परसेंट स्टेक अक्वायर करा है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी सेवन करोड़ नियरली वन बिलियन डॉलर्स की डील है दोस्तों नियरली वन बिलियन डॉलर की डील है इट्स अ ह्यूज डील राइट सो प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग इसके बारे में जानकारी रख रहे हैं नीलेश सॉरी इट इज अ प्लस क्लास राइट सो

और उन्होंने अक्वायर करा है एक साइड लाइफ इंश्योरेंस को इट्स इट्स्यूज ह्यूज 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 डेवलपमेंट दोस्तों ह्यूज डेवलपमेंट राइट मूविंग अहेड डीबीएस बैंक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग उन्होंने लॉन्च करा है इन पार्टनरशिप विद स्विफ्ट जी पी आई ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन राइट सो जो डीबीएस आइडियल बैंक प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स हैं उनके लिए ये चीज काम आएगी ना वॉट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव ओवर हियर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीडा एमओ यू राइट फॉर साइबर असिस्टेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रंट ट्रांसफ़र की जो लिमिट है अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम राइट उसे इंक्रीज कर दिया है राइट फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड टू टू लैक्स बारह ट्रांजेक्शन ईयर की पहले लिमिट थी अब हटा दी गई है लेकिन अगर आप कैश बेस्ड कर रहे हो तो अभी भी लिमिट है फ्लोटिंग ए टी एम दल लेक जम्मू एंड कश्मीर राइट एच डी एफ सी लाइफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कैश डील सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी सेवन करोर्स हंड्रेड परसेंट टेक इन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को जो है पिकअप करा गया है दोस्तों डीबीएस बैंक हैज लॉन्च रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग राइट फॉर स्विफ्ट जी पी आई ऑल राइट मूविंग का फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फेसिलिटी इंट्रोड्यूस करा है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों राइट दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रेगुलेटरी सैंड बॉक्स का थर्ड कोट लॉन्च करा है मतलब यह है कि जो भी इनोवेशंस नए प्रोडक्ट्स सर्विसेज की जो टेस्टिंग करनी रहती है तो वो टेस्टिंग करने के लिए जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है उसे इंट्रोड्यूस करा गया है राइट ताकि कोई भी नया प्रोडक्ट नया सर्विस आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग आप कर पाओ उसको प्रॉपरली आप जो है ट्रायल करके देख लो दोस्तों राइट एक सेफ स्पेस के अंदर एक छोटे स्पेस के अंदर सो so, आप पूरी जनता को जो है अपना प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर रहे हो आप एक ट्रायल सेट ऑफ कस्टमर्स को जो है अपना प्रोडक्ट ऑफर करने लग रहे हो दोस्तों सो थर्ड को होट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च करा गया है इसकी थीम है एम एस एम ई लैंडिंग दोस्तों राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव टेस्टिंग पॉसिबल है नए प्रोडक्ट या सर्विस की आप टेस्टिंग करके देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट सर्विस कैसा परफॉर्म कर रहा है क्या इसमें लोगों को दिक्कतें आ रही है क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करे जा सकते हैं तो इनोवेशन करने के अंदर ये बेहद ज़्यादा मदद करता है दोस्तों राइट उसके अलावा दोस्तों uh, कर्नाटका बैंक ने जो है लॉन्च करा है पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइस पॉस गो राइट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूको बैंक को जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बाहर निकाल दिया है राइट सो दिस इज अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी सो ऑन दिस पेज वॉट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस वॉज आर का थर्ड को अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एम लेंडिंग वाला दैट इज इंपॉर्टेंट राइट एंड वॉट इज ऑल्सो important ओवर here, नथिंग एल्स दोस्तों मूविंग अ ये बॉब वर्ल्ड की न्यूज को इतनी बार दे दिया गुरनीत यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों को मुझे कमीशन पे कर देना चाहिए अब राइट सो बैंक ऑफ बड़ोडा ने अनाउंस कर दिया डिजिटल बैंकिंग नहीं पूछेगा एग्जाम में थोड़ी पूछेगा बॉब वर्ल्ड किसने इशू करा, ऑब्वियसली बॉब वालों ने इशू करे राइट अननेसे राइट मूविंग अ मूविंग राइट कोहट प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फ्रॉड थैंक यू यूश राइट सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सो ने जो बात बोली है वो यहाँ पर लिख देना जरूरी है राइट फोर्थ कोहोट भी आ चुका है राइट फोर्थ कोहोट भी आ चुका है और जो फोर्थ कोहोट है उसका क्या है दोस्तों प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फ्रॉड प्रिवेंट स्लैश मिटिगेट फ्रॉड फोर्थ कोहोट है राइट कीप दिस इन माइंड सही बात है मैं समझ सकता हूं राइट right? जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मुझ पे भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज ब्रॉड थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया राइट उसके पहले थ्री पॉइंट वन सेवन परसेंट ऑलरेडी खरीद चुके हैं अब कुल मिलाकर जो है कुल मिलाकर जो है एल आई सी के पास सेवन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट स्टेक है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों मूविंग अहेड पे ने लॉन्च करा है पे प्लस ये इंडिया का पहला इंटरक्टिव प्लेटफॉर्म है राइट जिसमें इनसाइट्स एंड ट्रेंडेड डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हंड्रेड एंड ट्वेल्व मिलियन डॉलर का लोन अग्रीमेंट साइन करा है ताकि अर्बन लोकल बॉडीज झारखंड के अंदर सपोर्ट करा जा सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर का लोन साइन करा है ताकि रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र को इम्प्रूव करा जा सके राइट right? सो so, ये दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आएंगे कितना याद करोगे नहीं याद कर पाओगे कुछ बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ये हंड्रेड एंड ट्वेल्व और ये थ्री हंड्रेड ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट हैं दोस्तों आप राइट सो कीप दिस बेसिक थिंग इन माइंड राइट उसके अलावा दोस्तों आ, आ, उसके अलावा राइट right. तो घुगरू ने हमारे साथ और अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी है राइट right. तो फोर्थ को निलेश ने बता दिया था फर्स्ट को जो था फर्स्ट को की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं राइट फर्स्ट कोहोट था रिटेल पेमेंट राइट रिटेल पेमेंट और जो सेकेंड को होट था सेकेंड को होट था सेकेंड को होट वॉस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कि सी बी पी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कि सी बी पी राइट थैंक यू थैंक यू सो मच गुरनीत राइट एन पी ने पार्टनरशिप कराया विथ फिनसर्व इनकॉर्पोरेटेड प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड स्टैक एंड फिन ही कराया दोस्तों सो रेडी स्टैक ऑफ सर्विसेज है राइट रिक्वायर्ड फॉर फिनटेक्स एंड बैंक्स टू इशू रुपए डेबिट कार्ड तो रुपए क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो इशू करना आसान हो जाएगा दोस्तों राइट right? और आसान uh, हो जाएगा दोस्तों दैट्स ऑल और बी डब्ल एस इज बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम के अंदर आसानी मिलेगी दोस्तों ठीक है मूविंग अड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड लेंडर्स बैंक्स टू ट्रांसफर लोन्स जो कि फ्रॉड हैं राइट सो आर बी आई ने अलाउ करा है लेंडर्स और बैंक्स को दैर यू कैन ट्रांसफर लोन्स विच हेर बीन क्लासीफाइड एज फ्रॉड्स टू ए आर सी दोस्तों जो अगर डिफॉल्ट फॉर मोर देन सिक्सटी डेज है स्ट्रेस लोन्स फ्रॉड लोन्स राइट डिफॉल्टॉर मोर देन सिक्सटी डेज या एन पी ए है उसको ए आर सी को ट्रांसफर करा जा सकता है राइट right? This is very important piece of information coming your way. Banks ne report kare frauds totaling of nearly 4 lakh crores. 3.95 lakh crores between financial year 2018, 19 and 2021. Right. So this is extremely important figure. Very, very important figure. So what is important over here? Right? Uh LIC ka stake the Bank of India mein total. Right? Uske alawa, uh, -fee ni sa and the last part is very important. Moving ahead. मूविंग अहेड ने इश्यू करे गाइडलाइंस रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स दोस्तों स्टैंडर्ड एसेट्स यानी कि जो स्पेशल मेंशन अकाउंट या टू की कैटेगरी में नहीं है उनको स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है दोस्तों सो so, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करे हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स स्टैंडर्ड एसेट्स दोस्तों राइट सो मिनिमम टिकट साइज फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट विल बी रुपीज वन करोर राइट मिनिमम टिकट साइज यानी कि कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है आपको जो है एक करोड़ का करना पड़ेगा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों राइट तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है राइट कि अगर बैंक ने लोन दिया यानी कि बैंक का कोई एसेट है तो उसके अंदर एक क्रेडिट रिस्क है क्रेडिट रिस्क है कि पैसा शायद कभी वापस ना आए पैसा डूब जाए राइट तो अगर हमने उठा के ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स है इनको एक सिक्योरिटी के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस करके वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उठा के बेच डाला राइट right? तो उसकी वजह से हम क्या करने लग रहे हैं कि हमारा जो रिस्क है उसको हम लोग स्प्रेड आउट करने लग रहे हैं अंडर वेरियस इन्वेस्टर्स तो अगर रिस्क मटेरियलाइज होता है यानी कि पैसा रिकवर नहीं होता है राइट right? तो नुकसान बढ़ जाएगा और अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो जिसने भी इन्वेस्ट करा है इन सिक्योरिटीज़ के अंदर उसको एक छोटा रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों राइट right? तो स्टैंडर्ड एसेट्स अच्छे एसेट्स हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि मगर छोटा रिटर्न मिल जाएगा तो वो रिस्क ले रहा है और रिस्क ले रहा है तो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो पैसा लिया गया है राइट जो क्रेडिट रिस्क है वो मटेरियलाइज हो जाएगा तो लॉस एक्चुअल में क्रिएट होएगा दोस्तों राइट सो so, सिक्योरिटाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क इन एसेट्स को जो है रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको हम ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के अंदर बनाकर सेल करने लग रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइल्स क्रिएट करने लग रहे हैं जो इन्वेस्टर्स है वेरियस क्लासेस के अंदर उनको एक्सेस मिल रहा है राइट टू तो वेरियस ऑफ रिस्क एक्सपोजर कोई ज्यादा रिस्क रिस्क लेना चाहता चाहता रिस्क लेना चाहता चाहता कम चाहता चाहता है 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 ज्यादा रिटर्न रिटर्न कमाना कमाना कर कर लीजिए लीजिए कोई कम कम तो सारी प्रकार की चीजें आपको अवेलेबल करवा कर दी है दोस्तों राइट यस बैंक ने पार्टनरशिप करी है वीजा के साथ क्रेडिट कार्ड टू इट्स कस्टमर्स ऑफर करने के लिए दोस्तों राइट क्योंकि मास्टर कार्ड के ऊपर जो है आरबीआई ने बैन लगा दिया था मास्टर कार्ड भी डेटा इधर उधर कर रहा था राइट इंडिया के बाहर करा था तो मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा दिया था दोस्तों राइट उसके अलावा दोस्तों इज इंपॉर्टेंट राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेम्ड आई डी आर सी एल को सेटअप कराया है राइट आप याद रखिएगा कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एन है और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आई है तो आई का पेड अप कैपिटल 80.5 लाख होगा ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ होगा दोस्तों पचास करोड़ रुपया तक जो है आई डी के अंदर डाल दिया जाएगा उसमें से एट्टी पॉइंट फाइव लैक ऑलरेडी डाल दिया गया है दोस्तों राइट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज वेरी ओल्ड न्यूज राइट अब ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है दोस्तों राइट बट आर ने कंडक्ट करे थे जी सैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्स एक्विजिशन प्रोग्राम फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड करोर दोस्तों राइट सो परचेज था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को राइट अंडर जी सैप राइट तो परचेज कराता यानी कि मार्केट से खरीदा था और पैसा रिलीज कर दिया था और आरबीआई विल आल्सो सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओ एम फॉर फिफ्टीन थाउजेंड करोर राइट तो बेसिकली आरबीआई क्या करने लग रहा है कि मार्केट में पैसा रिलीज कर रहा है और फिर मार्केट में उतने ही पैसे की नई सिक्योरिटी दे रहा है दोस्तों ये रिवॉल्विंग फंड प्रकार का अरेंजमेंट है इज दिस करेक्ट अगर मैं ऐसा कहता हूँ है ना गुरनीत तृप्ति अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ये एक रिवॉल्विंग फंड प्रकार का अरेंजमेंट है कि इन्होंने क्या करा कि मार्केट के अंदर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे पंद्रह हजार करोड़ के राइट right. जो कि अभी मेच्योर हो रहे हैं लेटेस्ट से नियरली राइट क्लोज टू मेच्योरिटी आ चुके हैं राइट right. तो पंद्रह हजार करोड़ रुपया दे दिया और सिक्योरिटीज़ को अपने पास लेकर आ गए ठीक है और उतने ही करो पंद्रह हज़ार करोड़ के और सिक्योरिटीज़ बेच दिए तो जो पैसा दिया था वो पैसा वापस से ले लिया तो जो मेच्योरिंग सिक्योरिटी है वो आपके हाथ में से निकाल कर जो आगे वाली डेट की मेच्योरिटी की सिक्योरिटी है वो आपके हाथ में पकड़ा दी तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये रिवॉल्विंग फंड है कि एक हाथ से पैसा दिया और फिर वही पैसे को वापस से यूज करवा लिया सिक्योरिटीज खरीदने के लिए तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों राइट right? यहाँ पर हुआ क्या कि जो मेचोरिंग सिक्योरिटीज है राइट right? उन लोगों को जो है हमने परचेस कर लिया और जो न्यू सिक्योरिटीज है जिनकी मेच्योरिटी आ गई है उनको हमने सेल कर दिया तो जितने का परचेस करा उतने का सेल कर दिया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा बोरो करावर रहे और लोगों के हाथ में सिक्योरिटी रहे दोस्तों राइट आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों राइट दिस इज ओल्ड न्यूज नॉट रिक्वायर्ड नाउ राइट ये पेनल्टी की न्यूज है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ तो यहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखा है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स के गाइडलाइंस पांडे जी प्लीज एड कर दीजिए सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स आर को अपने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मैं इसको करना चाहूंगा प्लीज पांडे जी राइट उसके अलावा दोस्तों आई का पेड अप कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन राइट दैट्स ऑल दोस्तों दैट्स ऑल दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर यर

जहां पे मैं ना केवल गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करूंगा बट नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लूंगा राइट right? बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे दो दो घंटे मिनिमम के आर वी इन द राइट डायरेक्शन इफ यू कंटिन्यू दिस अप्रोच फॉर ऑल पॉसिबल जी देन आर वी इन द राइट डायरेक्शन दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू दोस्तों राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉर्मोसा बॉन्ड्स इश्यू करे उनकी वैल्यू क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉर्मोसा बॉन्ड्स इश्यू करे उनकी वैल्यू क्या है राइट गाइस प्लीज आंसर बाय नाव यू शूड आंसर द आंसर इज थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन मोड के अंदर फेसिलिटेट करवाने का फ्रेमवर्क रिलीज कराया है राइट वट इज द अपर लिमिट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन वट इज द अपर लिमिट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन वॉट इज द अपर लिमिट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आंसर इज टू हंड्रेड अगला क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एफ बी आरबीआई ने उस वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आने लग रहा है उसके लिमिट को इंक्रीज करा था राइट ना वॉट इज द न्यू लिमिट वॉट इज द न्यू लिमिट वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के अंदर वॉट इज द न्यू लिमिट करेक्ट 2.5 पॉइंट फाइव लैक करोड़ इज द राइट आंसर दोस्तों इंडिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 के अंदर कब ऑब्जर्व करा गया था वेन वॉज द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व इन इंडिया इन 2022 डेट बता दीजिए टेल मी द डेट करेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बिलियन डॉलर्स ऑफ लेंडिंग करा है सोवरेन लेंडिंग करा है इंडिया को 2021 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बिलियन डॉलर का सॉवरन लेंडिंग करा है इंडिया को 2021 के अंदर बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ इज अ कैम्पेन बाय विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ करेक्ट महिला मित्रा प्लस महिला मित्रा प्लस सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन लॉन्च बाय विच प्राइवेट सेक्टर बैंक महिला मित्रा प्लस पावर सल्यूट के साथ कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक एसोसिएटेड है पावर सल्यूट इंडियन नेवी के लिए डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज कहीं पर भी आंसर बॉब नहीं था पावर सल्यूट कौन सा बैंक ने एमओयू साइन कराया विद इंडियन नेवी एक्सिस बैंक करेक्ट which bank has introduced india's first credit card made from recycled pvc pvc which bank has launched india's first credit card recycled pvc plastics answer is hsbc which bank has become the first scheduled private sector bank to receive approval for collection of direct and indirect taxes. Which bank has become the first scheduled private sector bank to receive approval to collect direct and indirect taxes? Answer is Kotak Mahindra. Alright, guys, for the time being, this is sufficient. Right. Banking and finance, we have done. Tomorrow, we will meet and discuss government schemes. All right, guys. So, I'll bring this lecture to an end. Thank you very much. I'll be sharing both annotated as well as non annotated PDFs right now in the Telegram channel so that you all can download, revise, and do whatever needs to be done. We'll bring this session to an end, right? Thank you very much. All the very best. And Jai Hindosa. Thank you very much.